एग की क्वालिटी खराब है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसके लिए क्या करें जिससे कि तुरंत मुझे प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, कम उम्र में भी हैं, ज्यादा उम्र में भी हैं, दोनों उम्र में के लोगों को एग की क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एग क्वालिटी की वजह से, लेकिन उनको इस ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है और बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, बहुत मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खा खा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये छोटी सी बात बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही है कि अगर उनको एग की क्वालिटी बेस्ट बनानी है तो वो अपने घर में ही अपने डाइट को चेंज करके, अपने रसोई की कुछ चीजों को लेके अपना के अपने डाइट को चेंज करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने एग की क्वालिटी को बेस्ट बना सकते हैं। आजकल शादियां किसी की भी कम उम्र में नहीं हो रही है, सबकी बढ़ती उम्र में शादियां हो रही हैं और 30 के बाद आपके एमएच लो हो जाते हैं, एग की क्वालिटी कम हो जाती है और एग जो है कम हो जाती है, एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आपको करने क्या है, आपको अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देने हैं, अपने रसोई के इन चीजों का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो 110% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी और 100% आपके जो एग की क्वालिटी पुअर हुई है वो बिल्कुल बेस्ट बन जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं पूरे डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ तो कि अपने रसोई की इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके एग की क्वालिटी जो लो हो चुकी है और बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी और आपको किसी भी मेडिसिन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का आपको मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। ये आप कम से कम 30 दिनों तक उपयोग करके देखिएगा और जब 13 डेज एक महीना उपयोग करेंगी तो आपको चेंजेस ऑटोमेटिक आने लगेंगे। आजकल हो क्या रहा है, आजकल ये हो रहा है कि एग की क्वालिटी बिल्कुल लो हो जा रही है, एग की क्वालिटी खराब हो जा रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आज वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर एग की क्वालिटी पुअर हो गई है तो आपको इसका अंदाजा कैसे लगेगा, एग की क्वालिटी बेस्ट है तो ये भी आप अंदाजा कैसे लगा लोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर एग की क्वालिटी आपके अंदर बेस्ट नहीं है, पुअर हो चुकी है, तो इसका अंदाजा आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे समझ सकते हो कि आपके अंदर एग की क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो चुकी है। तो सबसे पहला आपको जो सिम्टम्स नजर आएगा, अगर आपके एग की क्वालिटी पुअर हो चुकी है, एक जो है खराब हो चुका है, तो सबसे पहला आपका पीरियड, पीरियड आपका डिसबैलेंस रहेगा, पीरियड आपको बिल्कुल अनियमित आएगी, कभी ज्यादा दिन आएगी, कभी कम दिन आएगी, पीरियड साइकिल छोटी हो जाएगी, कभी कभी पीरियड महीने में दो दो बार आ जाएगी, तीन तीन चार चार महीने तक पीरियड ही नहीं आएंगी, या फिर अगर आपका पीरियड सही समय पे आएगा भी तो उसमें ओवुलेशन आपका नहीं होगा। इसके बाद अगर आपकी एग की क्वालिटी पुअर रहेगी तो आपका ओवुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, आप ओवुलेट नहीं करोगे, अगर ओवुलेट नहीं करोगे तो इसमें होगा क्या, छोटे छोटे फॉलिकल हर महीने आपके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे और यही फॉलिकल आपके फाइब्रॉइड और गांठ के रूप में बदल जाएंगे, आपको आगे चल के फाइब्रॉइड और गांठ रसौली हो जाएगा, ये भी आपको समस्या आने लगेगी अगर आप ओवुलेट नहीं करोगे। तो ये चीज कम उम्र में भी हो रही है और ज्यादा उम्र में भी हो रही है। तो ये तो हो गई आपके एग की क्वालिटी अगर पुअर है तो ये आपको सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपके एग की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है तो उसमें आपको कौन सा सिम्टम्स अब दिखाई देगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर एग की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है, एक आपका अच्छे क्वालिटी में बन रहा है, तो सबसे पहला आपको जो प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो दिखाई देगा जो पीरियड के मिड भाग में, यानी कि पीरियड के बीचों बीच के दिनों में जो आपका डिस्चार्ज आता है वो बिल्कुल वाटरी चिपचिपा नुमा डिस्चार्ज आएगा। दूसरा, आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तीसरा, आपको हाई लिबिडो होने लगेगा, आपके आपका जो मूड है बिल्कुल इनहेंस हो जाएगा, आपको हैप्पीनेस फील होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बहुत सेक्सुअल डिजायर बढ़ी हुई है और मुझे सेक्स करने का इच्छा जो है अंदर से उत्तेजित कर रहा है। ये सारे चीज अगर आपको पीरियड के बीचों बीच के दिनों में महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपके एग की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट बन रही है और आप थोड़ा सा चेंजेस करोगे अपने लाइफ स्टाइल में तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहला आपका एग ही है, अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी, और दूसरा ओवुलेशन है, तीसरा आपके हस्बैंड का जो सेल्स है, अगर ये तीनों अच्छा रहेगा तो तीनों जो चीज मिलेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपको ओवुलेशन सही टाइम पे सही तरीके से होगा
एग की क्वालिटी बेस्ट रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी तुरंत हो जाएगी। अगर आपके जो मेल है उसका स्पर्म बिल्कुल अच्छा रहेगा, लोअर क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो भी आपको प्रेगनेंसी तुरंत हो जाएगी, बिना झंझट के आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर एग की क्वालिटी पुअर हो चुकी है इसको कैसे ठीक करें। सबसे पहला आपको दालचीनी लेना है। देखिए दालचीनी अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। अगर आपको पीसीओडी हुआ है तो पीसीओडी में ये दालचीनी रामबाण काम करता है एक की क्वालिटी को बूस्ट करने में। अगर आप जो है आपकी बॉडी में गर्मी है तो आपको जो है दालचीनी के चाय से गर्मी है, दालचीनी के पानी से गर्मी हो रही है, तो आप सूखा दालचीनी का पाउडर बनाइए और सब्जियों चाट सैलेड पे स्प्रिंकल करके उसका सेवन करिए। इसके बाद आप दालचीनी के को शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा गर्मी है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कब कैसा रिएक्ट करती है। आप क्या करें, दालचीनी का चाय बना लीजिए या फिर दालचीनी का पानी बना लीजिए। दालचीनी का चाय बनाने के लिए आपको जो दालचीनी है उसके थोड़े से टुकड़े कर लेने हैं या फिर पाउडर बना लेने हैं और उसको पानी में बॉयल करके और शहद नींबू भी डाल सकते हो उसको लेने हैं। या फिर आप दालचीनी का चाय पानी ही बना लीजिए, दालचीनी को रात भर पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद आपको सुबह में उस पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप किसी भी फॉर्म में दालचीनी का इस्तेमाल करना है आपको, दालचीनी को पका के नहीं लेना है, यानी कि सब्जियों वगैरह में दालचीनी को बॉयल करके या फिर पका के आपको नहीं लेना चाहिए, दालचीनी को ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, कुछ बीज आपको लेने काफी जरूरी है। कुछ बीज का मतलब हो गया कद्दू के बीज, तिल के बीज, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे चीज जो ये बीजे होती है ना, ये बीजे आपके जो भी हार्मोन है उसको, जो जिस हार्मोन की नीड होती है उसको बढ़ाते हैं, जिस हार्मोन की नीड नहीं है उसको कम करते हैं। जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पे एलएच हार्मोन की नीड होती है तो इसको बढ़ा देते हैं, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर देते हैं। तो आपको सारे सीड्स को मिक्स करके भी आप ले सकते हो, या फिर आप जो है 15 दिन 2 सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सीड्स को कैसे लेने हैं मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स, एक तरफ आप मेडिसिन रख लीजिए, एक तरफ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने लगोगे। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जिंक, कॉपर, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मतलब कि हर चीज भर भर के होते हैं। और फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो अंजीर, अखरोट और बादाम, ये तीन ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आपके ओवरी के फंक्शनिंग को बूस्ट करते हैं, आपके एग की क्वालिटी को बूस्ट करते हैं, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको बूस्ट करते हैं। इसके बाद आपको लेने हैं एवोकाडो। एवोकाडो अब तो आपको इंडिया में भी मिलने लगा है, इसका हाफ जो है एवोकाडो आपको जरूर लेने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स रासबेरी, रासबेरी तो इंडिया में उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन रासबेरी लीव का जो टी बनता है वो आपको ऑनलाइन परचेज करोगे तो ले आपको मिल जाएगा। ये आपको पीरियड के शुरू के दिनों में 20 दिनों तक आपका इस टी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जिंजर टी, जिंजर टी आपको घर पे ही बनाने हैं। इसमें दूध, चाय पत्ती, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालने हैं, केवल सिंपल जिंजर को बॉयल करके आपको लेने हैं और इसको जब तक आपका पीरियड खत्म नहीं हो जाता, जब आपका पीरियड एंड हो जाता है उसके एक हफ्ते तक आपको लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल का तो आप पूछिए मत कि ग्रीन वेजिटेबल आपको कितना बेनिफिट देंगे। ग्रीन वेजिटेबल में हर चीज, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन, हर चीज भर भर के मिलता है, तो इसको आपको जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद होल ग्रेन जितने भी अनाज है उसको लेने चाहिए, कम पॉलिश वाले, बहुत ज्यादा आपको पॉलिश वाले चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप परचेज करना चाहते हो तो आप जो, अगर आपके पास किसान वगैरह है तो उनसे आप परचेज कर लीजिए, वो बिल्कुल पॉलिश वाले अनाज नहीं होते हैं, और जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है वो पॉलिश वाला अनाज होता है, तो पॉलिश वाला अनाज नहीं लेना है, होल ग्रेन आपको लेने हैं अनाज। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको पूरे के पूरे लेने हैं, दही हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये हर चीज आपको लेने चाहिए। अगर आप पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको तो आप बटर मिल्क आपको लेने चाहिए। उसके बाद एग, अंडा अगर आप खाते हो तो अंडा भी आपको जरूर अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। अगर इस डाइट को अगर एक महीने आपने आप
अपने जीवन शैली में, डेली के रूटीन में आपने शामिल कर लिया, तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके एग की क्वालिटी जो पुअर है बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके बात करिएगा कि एग की क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स, एग की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको अपने घरेलू चीजों की जरूरत पड़ती है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी। माई वुमेन्स केयर चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड होते हैं डाइट से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, और जो आपकी क्वायरी होती है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। बहुत सारी महिलाएं इसका बेनिफिट ले रही हैं, आप भी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।